तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल अननोन टेक्निकल में। दोस्तों मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कार्टून वीडियो में अपना वॉइस ओवर कैसे करें। दोस्तों आपने मेरी कई वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वॉइस ओवर की है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी भी पसंद भी आई है, कई लोगों ने हमें कमेंट भी की हुई है। दोस्तों आज मैं आपको इसी तरह का कार्टून वीडियो में वॉइस ओवर करना सिखाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से और सिर्फ काइनमास्टर ऐप से। दोस्तों हम चलते हैं काइनमास्टर ऐप में और वहां से आपको एक बढ़िया सा वॉइस ओवर कर दिखा देते हैं अपनी कार्टून वीडियो। हम आ चुके हैं अपने काइनमास्टर ऐप में और यहां पर देखिए मैंने एक वीडियो लेकर रखी हुई है पहले से ही। यहां पर देखिए ये वीडियो मैंने अपने एक और चैनल है एनिमेशन चैनल, उसके लिए यहां पर एक वीडियो बनाई हुई है। यहां पर मैंने देखिए एक वीडियो छोटी सी लेकर रखी हुई है। अब दोस्तों इस पर हम वॉइस ओवर करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों उससे पहले हम इसको चलाकर दिखा देते हैं कि इसमें कोई सा भी वॉइस नहीं है। दोस्तों ये देखिए मैं चलाकर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर इसमें कोई सा वॉइस आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बिल्कुल म्यूट है यहाँ से। तो देखिए एक वीडियो मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है, अपने मोबाइल से, देखिए सिर्फ मोबाइल से ही बनाई है दोस्तों। और आप अपने मोबाइल से बहुत ही अच्छी वॉइस ओवर भी कर सकते हो और कार्टून वीडियो भी बना सकते हो। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाकर डाली हुई, आप उसको देखकर अपना जो कार्टून वीडियो अच्छे से बना सकते हो। दोस्तों देखिए अब हमको वॉइस ओवर करना है तो यहाँ पर देखिए एक रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक माइक बना होगा, रिकॉर्ड लिखा होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों ऐसा होता है क्योंकि हम मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किए हुए हैं और उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी वॉइस, तो ऐसा होता है कभी कभी हमारी वीडियो में इको आ जाता है, वॉइस का जो है वो वॉइस इको करने लगती है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर में डबल आवाज़ आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से। दोस्तों देखिए आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह का अपना वॉइस ओवर करिएगा, बस अपना जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी आवाज़ पर मत जाइएगा। दोस्तों देखिए हम रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट लिखा हुआ है, आपको सिंपली क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। ये देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं और चिंकी को घुटने पर बैठा देता है और वो जो चिंकी को पकड़ कर लाया था उसको अपने पिंजड़े में बंद कर कैद कर देता है और उसके पास आता है। आने के बाद चिंटू के पास जा रहा होता है और उसकी गर्दन पे तलवार उठा काट दे और चिंटू की आवाज़ इस तरह निकल जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जो थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्डिंग कर दी है, मैं यहाँ पर देखिए आपको अब थोड़ा सा एडिट करके दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए हम सबसे पहले चलाकर चेक कर लेंगे कि कहाँ से चिंटू बोला हुआ है। दोस्तों देखिए पहले हम सिंपल सा यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये चिंटू चिल्लाया, तो इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ट्रिम एंड स्प्लिट का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसको स्प्लिट एट प्लेट कर देना है, यहाँ से ऐसे कर देना है। दोस्तों अब हम देखेंगे कहाँ से चिंटू की वॉइस जो है जो निकली है चिल्लाने की वो कहाँ से बंद हुई है। दोस्तों देखिए हम करके दिखा देते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारी जो चिंटू की वॉइस है वो यहाँ से बंद हुई है। अब दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ स्प्लिट पर जाएंगे और इसको स्प्लिट एट प्लेट कर देंगे। दोस्तों देखिए हमारा जो इतना हो गया है, अब दोस्तों हमको इसके चिंटू की जो वॉइस है चिल्लाने वाली वो उसको थोड़ा सा मेकिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे, इतना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए एक स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए सबसे पहले हमको ये बढ़ा देना है, बढ़ाने के बाद और इसको ऐसे आगे कर देना है राइट की तरफ, देखिए ऐसे कर देना है। और ये जो है ये नीचे दिख रहा है जिसमें जीरो का है, उसको भी आपको ऐसे थोड़ा सा बच्चा है क्योंकि बच्चे का गर्दन काट रहा है, तो आपको ये प्लस टू कर देना है, ऐसे टू से थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, इतना चल जाएगा, इतना चल जाएगा। चलने के बाद दोस्तों अब हम बैठ जाएंगे, बैठ जाने के बाद नीचे देखिए हमारी जो वॉइस है यहाँ पर देखिए वॉइस चेंजर देखने को मिल रहा होगा, आप चाहो तो इस पर भी जाकर वॉइस चेंजिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिए वुमेन की जो वॉइस है आपको सिंपली ये वॉइस ले लेनी है, देखिए ले लिए। और तो आप कहोगे कि यार ये लड़का है और आप वुमेन की वॉइस क्यों ले रहे हो, तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर जो वुमेन की वॉइस है वो छोटे बच्चे की वॉइस में थोड़ा सा मैच कर रही है, इसलिए हमने वो वाली ले ली है। अब दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, देखिए इस टाइप का हमारा थोड़ा बना है, देखिए चिंटू की आवाज़। दोस्तों ये देखिए इस टाइप का कुछ हो गया है और ये थोड़ा सा जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे जाएंगे, जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिवर्ब का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक लिखा है कैथेड्रल करके है,
कैथेड्रल करके एक ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐसे बैग चले जाएंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर चलाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह की चिंटू की चिल्लाने की आवाज़ जो है वो बनी है। देखिए तलवार उठा कर दे दोस्तों, देखिए हमारी इस टाइप की वॉइस हो चुकी। अब दोस्तों हमको क्या करना है, ये जो हमने थोड़ा सा ये वॉइस ओवर किया है, ये जो लाइन है इसको भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, स्पीकर पर ऐसे चले जाएंगे और इसको भी ऐसे करके आपको प्लस टू कर लेना है, और इसको ऐसे करके बढ़ा देना है, इसको ऐसे करके थोड़ा सा आगे या पीछे कर, यहाँ पीछे नहीं, इसका क्योंकि लड़के का है तो बड़े का वॉइस है, तो आपको इतना कर देना है प्लस 24 इस तरफ का लेफ्ट कर देना है। अब दोस्तों ये देखिए इतना हमारा रिकॉर्ड हुआ है। और चिंटू को घुटने पर बैठा देता है और वो जो चिंकी को पकड़ कर लाया था उसको अपने पिंजरे में बंद कर कैद कर देता है। और टाइप की जो हमारी हो गई। अब दोस्तों जो ये आगे वाला है, आगे वाले पर भी आपको प्लस टू कर देना है, इसको ऐसे करना है, इसको थोड़ा सा पीछे कर देना है, तो इस टाइप का जो हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो देखिए अब हमको सिंपली क्या करना है, एक नो कॉपीराइट हॉरर म्यूजिक डाउनलोड कर लेनी है जो थोड़ी हॉरर टाइप में हो। तो हम देखिए लेयर पर जाएंगे और मीडिया पर जाएंगे, और जाने के बाद दोस्तों देखिए मैंने एक डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं वो वाली ले लेता हूँ। दोस्तों देखिए हमने ये म्यूज़िक ले ली है, लेने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारी जो ऑडियो है ये नीचे आ जाएगी, और ये जो हमारा है इसको यहाँ से ऐसे करके आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा जो ऑडियो है वो नीचे आ चुका है हॉरर का। अब दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्पीकर पर जाएंगे, इसका जो वॉइस है आपको थोड़ा सा कम कर देना है, ऐसे 22 अप्रॉक्स 22 या 27 करके कुछ भी रख दीजिएगा, लेकिन कम ही रखिएगा। तो दोस्तों देखिए इस टाइप का जो हमारा थोड़ा हॉरर सीन है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए मैं यहाँ से चला कर दिखा देता हूँ आपको। चिंकी को घुटने पर बैठा देता है और वो जो चिंकी को पकड़ कर लाया था उसको अपने पिंजरे में बंद करके कैद कर देता है और उसके पास आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारी जो म्यूजिक है ये थोड़ी सी ज्यादा है, तो हमको थोड़ा सा और कम कर देना है। यहाँ पर देखिए हम ऐसे कर देना है, 22 का नहीं 20 तक कर दीजिएगा आप। ये देखिए आपको थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको। दोस्तों यहाँ पर देखिए वॉइस हमारी जो इको कर रही होगी, जो हमने यहाँ पर अभी रिकॉर्ड की है जो इको कर रही होगी, तो आप दोस्तों उस तरह का उस पर कोई ध्यान मत दीजिएगा। आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करोगे जब काइंड मास्टर से, बहुत ही अच्छी आ जाएगी। वो मेरी वॉइस इसलिए इको कर रही है क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो डबल आवाज़ आ रही है। दोस्तों देखिए मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे चला कर दिखा देता हूँ, यहाँ से जहाँ से चिंटू चिल्ला रहा था, ये देखिए और उसकी गर्दन पे तलवार उठा कर चिंटू की आवाज इस तरह निकल जाती है। दोस्तों देखिए इस टाइप का जो वॉइस ओवर है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और काफी अच्छा वॉइस ओवर जो है कंप्लीट हुआ है। और दोस्तों आप भी इसी तरह अपना जो वॉइस ओवर है बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं एक बात और बता दूँ, ये जो मैंने कार्टून वीडियो यहाँ पर बनाई है, अगर ये वीडियो आपको इस तरह की वीडियो बनाना सीखना है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, और मैं इस टाइप का जो वीडियो है आपको बनाना सिखा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।